ध्रुवी तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, कम ऑन डू इट फॉर मी बड़ी। यूवी चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और वापस तुझे चैलेंज कर रहा हूँ ये पट्टी लगा के, मगर उसी के साथ आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ रेसिपी माई फ्रेंड। I will stay at home to prevent the spread of coronavirus, and I'm gonna keep at it till I can. I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster, maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best, guys. जब हम इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है वो हॉस्पिटल से भाग गए हैं, या फिर जिन्हें घर पर रहने के लिए कहा गया है वो बाहर घूम गए। ऐसा करने से ना आपकी मदद होगी ना हमारे समाज की। हमारी सरकार हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है और वही आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उनकी सलाह माने। As we go through a tough phase, it is important that all of us cooperate with each other. There are reports of patients running away from the hospital after being tested positive. Or those who've been advised to follow home quarantine instructions are roaming outside. This will not help you or the community. The government is working with health experts, and only they can help you recover in the best possible manner. So it is important that we all follow their advice. एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले, उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। हर सावधानी बरतिए, लेकिन उन्हें अनचाहा महसूस मत होने दीजिए। दूरी बनाए रखनी है, लेकिन उन्हें समाज से दूर नहीं करना है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके, और ये जानकर कि हर बार सही कदम क्या होना चाहिए। थैंक यू यूवी फॉर द चैलेंज। आई प्रॉमिस टू बी एट होम टिल द टाइम इट्स रिक्वायर्ड टू बी। आई फर्दर चैलेंज थ्री ऑफ माय मेट्स सौरव गांगुली, अनिल कुंबले एंड शिखर धवन। लेट्स सी हु डज इट बेटर। स्टे सेफ, स्टे एट होम। Thanks for nominating me, Yuvraj Singh. I'm committed to stay home. I hereby further nominate Rishabh Pant, Shreyas Iyer and Ajinkya Rahane to show their skills and commit at this stay home. हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है, और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना, भूलिएगा। Yeah, I'm going to go to the hospital.
As we go through a tough phase, it is important that all of us cooperate with each other. There are reports of patients running away from the hospital after being tested positive. Or those who've been advised to follow home quarantine instructions are roaming outside. This will not help you or the community. The government is working with health experts, and only they can help you recover in the best possible manner. So it is important that we all follow their advice. जब हम इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है वो हॉस्पिटल से भाग गए हैं, या फिर जिन्हें घर पर रहने के लिए कहा गया है वो बाहर घूम गए। ऐसा करने से ना आपकी मदद होगी ना हमारे समाज की। हमारी सरकार हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है और वही आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकते। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उनकी सलाह। नमस्कार, मैं विराट कोहली आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़ सड़कों पे, झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीज़ें करने को दी हैं, उसको प्लीज़ प्लीज़ बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज़ हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पर इस चीज़ के लिए, और ये चीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फायदा उठाना, मेरी नजर में अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कह रही है करने को, उस चीज का पूरा पालन करें। जय हिंद। Hi guys, Rohit here. I hope you're keeping safe and sound. I know we all are going through a bit of a tough situation at the moment, but the only way to get past this is by being disciplined, following the instruction from our government and medical authorities, and more importantly, staying home. I'm staying home with my family, watching a lot of movies, running here and there in the house. I'm learning a lot of nursery rhyme, which is good, different, but I'm enjoying it. I hope you all do the same. Try and entertain each other. Find ways to be innovative, you know. And more importantly, stay fit, stay healthy. Hi guys, hope आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और घर पे रह रहे हैं। पर एक छोटी सी और दिक्कत आ गई है कि जितने भी जानवर जो बाहर, जैसे कबूतर हो गए, पंछी हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, वो हम सब पे बड़ा डिपेंड करते थे जब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, क्योंकि हम सब बाहर जाते थे, खाना खाते थे, या कुछ भी खाना होता तो बंदा जानवर देखता था तो खाना दे देता था। अब क्या है, कोई भी बाहर नहीं जा रहा तो उनको खाना नहीं मिल रहा और स्ट्रगल हो रही है। तो मेरी बस आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके घर खाना बने तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनवाएं और बाहर जानवरों के लिए रखें प्लीज़, ताकि उनको जितना खाना चाहिए वो मिल सके। और ये एक हमारे पास मौका है कि हम जानवरों की जान बचा सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, तो और नेचर को वापस कुछ दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे दिल से विनती है कि ज़रूर इस काम में आगे बढ़ें और इस बात को जितना आगे फैला सकें फैलाएं, ताकि सबको अवेयरनेस हो और जितना हम उन जानवरों के लिए कर सकते हैं, पंछियों के लिए कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो
ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें एंड एंजॉय योरसेल्फ। कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। वी नो वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज बाय एक्टिंग टुगेदर। We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy.